के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और यहां से बालाघाट जिला मुख्यालय से 1400 किलोमीटर दूरी तय करके हमारे बीच में हमारे साथ कल से एक अतिथि के रूप में हमारे समाज को ये सहयोग प्रदान कर रही हैं और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप एक प्रोफेसर होते हुए भी सामाजिक क्षेत्र में और बड़े बढ़ चढ़ के किसी भय के साथ नहीं बल्कि अपने हिम्मत के साथ में आकर के और समाज हित में अपनी बात रखते हैं। इनके लिए बालाघाट जिला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हम आपको सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। इसके डॉक्टर हीरा मेहनत जी इसके पूर्व बोल आई काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी जिया करते हैं लोग, यूं तो जिंदगी जिया करते हैं लोग, जिंदगी जियो ऐसा कि बेमिसाल बन जाए, बेमिसाल बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में शमानिया मैडम प्रोफेसर मैडम मैडम को मैं आग्रह करता हूं कि आज जो है ऐसा भी नहीं कि सब्जेक्ट से अलग ही बात करें, सब्जेक्ट से मिलता हुआ बात करें, क्योंकि आप चूंकि खुद ही प्रोफेसर हैं और जब स्टूडेंट परीक्षा देने जाता है उनको एक सवाल मिलता है या एक प्रश्न मिलता है उसके खिलाफ अगर वो लिखता है अलग लिखता है तो आप ही उनको फेल कर देते हैं, आप ही उनको फेल कर देते हैं। तो आप जो है बच्चों को फेल करने और पास करने वाली जो नारी शक्ति है वो ऐसा काम कर जाए कि निशान बन जाए। इसीलिए आपके लिए मैंने कहा इन्हीं शब्दों के साथ आप आइए, सम्मान से अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार और जय आदिवासी और आप सबकी जय हो। राष्ट्रीय संवाद मंच के सभी आयोजकों और मंच पे उपस्थित वरिष्ठ समाज के मार्गदर्शकों, आप सभी ने मुझे इतना महत्वपूर्ण अवसर दिया है। मैं आप ही के समाज से जन्मी हूँ, इसी मिट्टी की बेटी हूँ, बहन हूँ या थोड़ा विदेशी समझ लीजिए, मैं आप ही के समाज का एक अंग हूँ। इसीलिए आप लोग मुझे जो मौका देते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब सहभागी बनने की कोशिश करती हूँ। हमारे पुरखों ने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, वो इसी वजह से आज हमारी पहचान संविधान में दर्ज है। वो पुरखे जिनको शिक्षा नहीं मिली थी, वो पुरखे जिनके पास संचार के माध्यम नहीं थे, वो पुरखे जो अपने प्राकृतिक मानसिक और बौद्धिक चेतन चित्रता के साथ पूरे देश भर में हम सब के लिए बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, उन्होंने बलिदान दिए और हमारी पहचान बना कर रहे। तो क्या आज हम और आप पढ़े लिखे नहीं कर सकते हमारी और आने वाली पीढ़ियों की पहचान के लिए? तो मेरा जो विषय जो है, आप सर ने बताया कि जो विषय दे गए उसी पे बोलना है, विषय तो बहुत विस्तृत है और आदिवासियों का जो विषय है वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय विषय है, इसीलिए हम विश्व आदिवासी दिवस 28 साल से मना चुके हैं और उसकी बहुत बड़ी कहानियां हैं, सब लोगों को पता होगा। इसका जो 14वां पॉइंट है, आदिवासियों की शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जैसे मूलभूत सेवाओं के प्रति सरकारों की संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन क्यों नहीं किया जा रहा है? तो मैं गर्व के साथ बताना चाहूंगी राजस्थान पूरे भारत का एक ऐसा राज्य बना है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार अपने जनता को दिया है, लेकिन आप लोगों ने देखा जैसे ही सरकार ने डिक्लेयर किया तो सारे डॉक्टर विरोध में आ गए। तो सोचिए आपका स्वास्थ्य कहाँ सुरक्षित है, क्यों आ गए जो स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले आपके विरोध में? आपके विरोध में हर कोई है, आपके विरोध में शिक्षण संस्थान भी है, प्रशासनिक संस्थान भी है और राजनीतिक संस्थान भी है और हमारे जो समाज के आका चुनके गए हैं जो प्रतिनिधि हैं वो भी आपके विरोध में है। इसीलिए आज इन मुद्दों पर चर्चा हम और आप कर रहे हैं, ये चर्चा उन लोगों को करनी चाहिए थी जो विशेष पदों पर बैठे हुए हैं। हम अपील कर रहे हैं बड़े बड़े पदाधिकारियों से या हमारी जो राष्ट्रपति बनी है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी संताली समाज से, आदिवासी समाज से,
लेकिन अभी तक उन्होंने आदिवासी समाज के लिए कुछ भी कोई संदेश या कोई कार्य नहीं किया है। किया है या नहीं किया है? जैसे रामनाथ कोविंद दलित समाज से राष्ट्रपति चुने गए थे और समाज के आदिवासी समाज के शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए शोधार्थी और जो सहायक प्रोफेसर थे उनको 13 पॉइंट रोस्टर से बाहर निकाला गया था, आपको याद होना चाहिए। याद है या नहीं है? आदिवासियों को संविधान का जो उदाहरण दिया जाता है कि संविधान से आपको हक अधिकार मिले हैं, तो उस हक अधिकार में आपको आरक्षण का 14वां पॉइंट मिला था, उस 14वें पॉइंट को इसी सरकार ने खत्म करके 13 पॉइंट रोस्टर बनाया था। तो सोचिए, एक तब तो आपको कहते हैं एजुकेशन लीजिए, दूसरा जब आप एजुकेशन लेकर बैक हो जाते हैं कि आप किसी को एजुकेशन दे सकते हैं, तो आपको शिक्षण संस्थानों से बाहर निकाला जाता है। ये बहुत बड़ी साजिश है। और जब आप रिसर्च में जाते हैं, एमफिल में जाते हैं, अब एमफिल भी बंद कर दी गई है, उसकी स्कॉलरशिप भी बंद कर दी गई है, डायरेक्ट पीएचडी में आपको एडमिशन मिलेगा। उसकी बहुत सारी आप लोगों को मतलब कारगुजारियां पता है, बहुत कुछ देश में हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक आदिवासियों के लिए, क्योंकि आदिवासी ही देश के लिए रोड़ा बना हुआ, जिस थीम पे देश जा रहा है। अब विषय से बाहर जाना, मैं आदिवासी समाज की अस्मिता, अस्तित्व और जीवन के प्रति अपने आप को जिम्मेदार समझती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा संकट आदिवासियों पर ही आ रहा है, चाहे वो शहर में रहा हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहा हो, या जल जंगल जमीन से जुड़ा हो उनका मुद्दा हो। एक तरफ तो हमें राष्ट्रवाद, देश प्रेम, देशभक्ति के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जल जंगल जमीन को व्यापारियों को सरेआम बेचा जा रहा है, पूंजीपतियों को सरेआम उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, जगह जगह नेशनल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, टाइगर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और अब तो ये हालत हो गई कि बाहर से चीते लाए जा रहे हैं। वो चीते शाकाहारी हैं, वो संस्कारी और शाकाहारी और राष्ट्रवादी लोग जो देश को बेच चुके हैं, सरकारी संस्थान बेच चुके हैं, शिक्षण संस्थान बेच चुके हैं, रेलवे बेच चुके हैं, बैंक बेच चुके हैं, इंश्योरेंस बेच चुके हैं, LIC बेच चुके हैं, एयरपोर्ट बेच चुके हैं, आपका रेलवे बेच चुके हैं, जहां आपको आरक्षण से नौकरियां मिलती थी, सब कुछ निजीकरण हो चुका है, सब जगह निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपके लोगों को आपकी जमीन से बेदखल करके वहां आपको सिर्फ एक मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर आप विरोध कर रहे हो तो फिर आपको नक्सली करार देकर हवालात में डाला जा रहा है या आपका नरसंहार किया जा रहा है। ये सब आप और हम भुगत भोगी हैं, और आप लोग तो उस जीवन का सामना कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं, हम राजधानियों में रहते हैं। तो ये हमारे समाज की विडंबनाएं हैं, हम किन किन विषयों को उठाएं, किन किन विषयों पे बोलें, हम हमारा अस्तित्व बचाए, अस्मिता बचाए, संस्कृति बचाए, इतिहास बचाए, या पुरखों के बलिदानों को याद करें, या आने वाली पीढ़ियों की अस्मिता को स्थापित करें, ये सब चीजों पर हमें काम करना होगा, क्योंकि इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद के कितने ही संगठन बने हुए हैं, कितने ही मतलब बहुत सारे आप लोग तो बहुत अभी पूरे एरिया में मैंने देखा एक धर्म विशेष के प्रचार के लिए कितने बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं, क्या उसमें किसी को शिक्षा मिल रही है, किसी को स्वास्थ्य मिल रहा है, किसी को रोजगार मिल रहा है? सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को ही वो सब कुछ मिल रहा है, और हमारे समाज को सिर्फ मानसिक गुलामी मिल रही है। तो इस मानसिक गुलामी से आप लोग निकलिए, शिक्षा भी लीजिए, शिक्षित भी होइए, और शिक्षित होने के बाद काबिल जब बन जाते हैं तो समाज के लिए वो कीजिए जिसकी हक और अधिकार जो संविधान ने आपको दिए, चाहे राजनीतिक तौर से, चाहे संवैधानिक तौर से, चाहे व्यावसायिक तौर पर जो मिला है आपको फायदा, उस फायदे को आप समाज के लोगों तक वापस से पहुँचाइए, उनको अवेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, आप जो भी कर सकते हैं उनके लिए करने का प्रयास कीजिए, ताकि समाज जिन संकटों से घिर चुका है, जिन विडंबनाओं से वो घिर चुका है या घेरा जा चुका है, या आने वाले समय में आपको ये तथाकथित अच्छे दिनों वाली सरकार पहले नोटबंदी से घेरी, फिर GST से घेरी, रोजगार से घेरी, प्राइवेटाइजेशन से घेरी, हर चीजों से आपको बिल्कुल शून्य पे लाकर छोड़ दिया है। तो अब आपको स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान देना होगा, आपकी जो योग्यता और क्षमता है उसके हिसाब से आप अपने एरिया में कोई भी मतलब स्वरोजगार के संस्थान स्थापित करने का प्रयास कीजिए, जहाँ जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को आप खुद बेचिए,
आप व्यापारियों को बेचते हैं और कम पैसों में वो आपसे खरीदते हैं, आप ही को वो ज्यादा पैसों में देते हैं, या आपका ऑर्गेनिक माल वो शहरों में बेचते हैं, आपको केमिकल वाली चीजें देकर आपको बीमारियों का शिकार बना रहे हैं। तो इन चीजों से समाज को बचाना होगा, बचना होगा, क्योंकि हमें सभी दिशाओं की तरफ देखना होगा। सिर्फ यही मुद्दे नहीं है, हजारों मुद्दे हैं आदिवासियों के जल जंगल जमीन और जीवन को बचाने के लिए। आपके लिए बहुत सेंसिटिव जो मुद्दा था अभी बीच में चला था, आप लोगों को सुना होगा, डीलिस्टिंग वाला। डीलिस्टिंग आदिवासियों में आदिवासियों को लड़ाने के लिए आरएसएस ले आई थी, जनजाति सुरक्षा मंच के नाम पर हमारे ही लोगों को चुनकर, हमारे ही लोगों को उसमें डालकर एक समूह बनाकर उन पर दबाव डाल के कि ईसाई लोग आदिवासी बन गए, या ईसाई लोग आदिवासियों को ईसाई बना रहे हैं या मुस्लिम बना रहे हैं। लेकिन संविधान में उपबंध दिया गया है कि ईसाई और मुस्लिम और आदिवासी सब आदिवासियों में हो सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हमें किसी का विरोध नहीं करना, हमें सबको साथ लेकर चलना है। और वैश्विक धरातल पर देखा तो जो हम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाते हैं, 28 मना चुके हैं, उसकी थीम ही है 28वें की विश्व मतलब परंपरागत ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। और उसमें एक भाषा दशक दिया गया 2022 से लेकर 32 तक, उसमें आदिवासियों के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, उनकी अस्मिता अस्तित्व और संस्कृति इतिहास को बचाने के लिए, पुरखों की जो प्राचीन ज्ञान की परंपरा है, जो प्राचीन ज्ञान है, संसार का सबसे प्राचीन और विस्तृत ज्ञान है, वो आदिवासियों की मातृभाषाओं और बोलियों में सुरक्षित है आज भी वाचिक रूप में। उसको संरक्षित करने, उसको लिखने और उसको प्रकाशित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने हम आदिवासियों को एक भाषा दशक दिया है। तो आप लोग एक संकल्प लीजिए, एक प्रेरणा लीजिए, आप खुद या अपने परिवार में या जो सक्षम है लिखने के लिए, अपने पूर्वों की परंपराओं को संरक्षित करने के लिए, चाहे वो लोक गीत हो, कथाएं हो, लोकोक्तियां, मुहावरे हो, या परंपरागत ज्ञान भंडार हो, या कृषि से संबंधित ज्ञान हो, या स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हो, या सेहत से संबंधित जानकारी हो, उन सब का कलेक्शन करके अपनी अपनी मातृभाषा और बोलियों में उसका प्रकाशन करवाइए। क्योंकि आदिवासी समाज होने की पहली पहचान है कि हमारी अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं, हमारी अपनी मातृभाषाओं में हमारी अपनी संस्कृति है, इतिहास है पुरखों का, जो वाचिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हजारों साल से चला रहा है। इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण देते हैं, और मैं गर्व के साथ बताना चाहूंगी कि संसार के बड़े बड़े विद्वान या भारत के बड़े बड़े जो मुख्यधारा के बड़े बड़े डिग्रीधारी है, या प्रोफेसर है, आचार्य है, या पुरातत्ववेत्ता है, या भूगर्भ शास्त्री है, या मानव शास्त्री है, चित्र लिपि को आज तक नहीं पढ़ पाए वो लोग, लेकिन आपके और हमारे समाज के गोंड समाज के आचार्य मोतीरावन कंगाली दादा ने उस चित्रलिपि को पढ़ा है और लिखा विस्तार से, और मीणा समाज के आचार्य मतलब राम सिंह सेवरा जी ने उस गोंडी लिपि को अंग्रेजी और हिंदी में दोनों भाषाओं में बहुत अच्छे तरीके से बड़े मोटे मोटे ग्रंथों में बहुत विस्तार से बताया है। जिनको ये तथाकथित ज्ञानी आपको नहीं बताएंगे, और हमारे समाज के इतने बड़े पुरखा रहे हैं, सोचिए आदिवासी समाज के दो पुरखाओं ने क्यों पढ़ पाए उस गोंडी लिपि या उस चित्र लिपि को जो सिंधु घाटी सभ्यता में बनी हुई है, उसमें हमारे गणजी में हमारे टोटम में हमारी दराड़ी है, इसीलिए आज तक ये आर्य उस सभ्यता को अपनी आर्य सभ्यता घोषित नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ किसी काल्पनिक देवी देवता के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, वहाँ सिर्फ कृषि से संबंधित औजार मिले हैं। हमारे जो गणचिन्ह है, जैसे जानवरों के चित्र है, गाय बैल है, वो क्या क्या बकरा है, मीन मछली है, तीर धनुष है, नाग है, हमारे जो आदिवासियों में जो टोटम या धराड़ी वाली जो प्रथा है, उसी के प्रतीक चिन्ह वहां पर है, जो आज भी हमारी माताएं बहने अपने शरीर पर गोदड़े के रूप में हजारों साल से लेती आई है। मीणा समाज की भी बड़ी बुजुर्ग महिलाओं पे वो गोदड़े जो सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रलिपियां वैसे मिल जाएंगे, गोंड समाज में भी मिलेंगे, आप छत्तीसगढ़ चले जाए, झारखंड चले जाए, वहाँ के जो प्राचीन और बेगा समाज में तो आप कहीं पर भी वो चित्र देख सकते हैं। कितनी अद्भुत, कितनी मतलब विलक्षण चीज है वो, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। क्या किसी देवी देवताओं में आपने ऐसी चीज चित्रलिपि देखी है? यह हमारे पुरखों का वास्तविक जीवन दर्शन है, या वास्तविक जीवन है, जो हमें जीवो और जीने देती प्रेरणा के साथ
जीवन के साथ आध्यात्म अपना कर जल जंगल जमीन और पुरखों के साथ और प्रकृति के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये डिक्लेयर किया है कोरोना जैसी महामारी के बाद और पहले से भी कर रहा था कि जब आप मौत के मुंह में आ गए या भयावह मौत की तबाही आई तो आप घरों में कैद हो गए, लेकिन आदिवासी जीवन शैली और अपने ऑर्गेनिक खान पान से ही आपने अपने जीवन को बचाया है। तब जो हॉस्पिटल गया वो जिंदा क्यों नहीं आया, जो घर में रहा वो कैसे बच गया, सोचिए। तो आपको शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए अपने आप को उस तरीके से डेवलप करना होगा, किसी के अधीन नहीं रहना होगा और अपने हक अधिकारों के लिए आप खुद को ही तैयार होना होगा। क्योंकि जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है और हम प्रयास करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। बातें बहुत सारी है और विषय भी काफ़ी बचते हैं और अध्यक्ष महोदय का तो अभी नंबर भी नहीं आया है, तो मैं इतना ही कहकर आप सभी हार्दिक अभिनंदन और आप सभी का सेवा